गाइस अगर आप बाय रोड अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो रोड का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ इको पार्क रीवा मध्य प्रदेश पे, और आज इस इको पार्क को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर हम फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो क्या यहाँ आना वर्थ इट रहेगा, और हमें अंदर क्या क्या एक्टिविटी देखने को मिलती, सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग के अंदर। हालांकि गर्मी बहुत तेज़ है, पारा चढ़ा हुआ है, और अगर पारे की बात करें तो सियासी पारा भी बहुत तेज़ है। आज 31 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल अंतिम चरण का चुनाव भी है, उसके बाद 4 तारीख को काउंटिंग भी होने वाली है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ा सा फन करते हैं, आप प्रिडिक्शन कीजिए कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन की, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए सोच के। और तब तक मैं टिकट ले लेता हूँ और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इको पार्क को। तो गैस जैसा कि देख पा रहे, टिकट मैं ले चुका हूँ, 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे, और 50 रुपये का कूपन यहाँ पे ऐड है, यानी कि अगर आप अंदर कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो इस 50 रुपये को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। हालाँकि कैमरा मुझसे रखवा लिया गया, कैमरा अलाउड नहीं था, और अब मुझे जो भी शूट करना है मोबाइल से शूट करना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। एंट्री के बाद जो एंट्रेंस का व्यू है वो काफ़ी ऑसम लगता है, और कुछ ही दूर जाने पे एक शानदार लेविस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट नज़र आता है, और दाहिने हाथ पे महादेव भगवान का एक शानदार खूबसूरत सा मंदिर नज़र आता है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप इंटर होते हो एडवेंचर आइलैंड के अंदर, और वहाँ का रिवर व्यू देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, बिहार नदी का शानदार जल प्रवाह आपको आकर्षित करता है। तो गाइज इस समय मैं आ चुका हूँ एडवेंचर आइलैंड के अंदर, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिल कर रहा था। यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट है, एक कॉटेज टाइप का बना हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई है, फैन वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ चिल कर सकते हैं। और पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं ये बिहार नदी है, जहाँ का जल प्रवाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और ये नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल जल प्रवाह नहीं, बहुत तेज़ यहाँ पे फोर्स से पानी बह रहा है, साउंड बहुत तेज़ कर रहा है। और ये जो एडवेंचर आइलैंड है इसके अंदर जो है काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से हम लोग चलेंगे उस पार, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। हालाँकि एंट्री में ही थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, आप यहाँ पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वर्थ इट रहेगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी तेज़ पानी का साउंड है यहाँ पे, तो काफ़ी शांत सा लोकेशन है, म्यूज़िक वगैरह बज रहा है यहाँ पे। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है, और कूपन को भी यूज़ करना है अंदर जाके, तो चलिए अंदर चलते हैं। टिकट लेने के बाद आप अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो हर एक्टिविटीज़ के आपको अलग से चार्ज पे करने पड़ेंगे। जैसे देख पा रहे हैं जिपलाइन का 200 रुपये है, स्काई साइकिलिंग का 200 रुपये है, फॉल किंगलिंग करते हैं तो 150 रुपये है, फॉल स्टेशन का 50 रुपये, ट्री टॉप्स का 250 रुपये है, बोट एडवेंचर का 50 है, जंप एडवेंचर का 50 है, मिकी एडवेंचर का 50 है, बंगी जंपिंग का 100 है, रॉकेट इंजेक्टर का 150 रुपये। इस तरह के अलग अलग आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप अंदर एंट्री करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्काई साइकिलिंग का एडवेंचर भी काफ़ी रोमांचित था, जैसे मानो सांसें थम जाएंगी, नीचे अथाह पानी और ऊपर साइकिल हवा में चल रही थी। बड़ों के अलावा छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी थी जिसका कि बच्चे लुत्फ ले रहे थे। गाइस यहाँ पे एडवेंचर आइलैंड के अंदर जब इंटर हुआ तो देख के काफ़ी कुछ लग रहा था कि अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, हालांकि अंदर एडवेंचर एक्टिविटी के नाम पे बहुत कुछ है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं
तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर, आपने देखा अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग आपको चार्ज पे करना है। अंदर की अगर नज़ारे की बात करें तो देखने में आपको लोकेशन अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो बीहड़ नदी का व्यू है, जो यहाँ रिवर व्यू है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसकी जो शोर है उसको सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बाकी बनाए ठीक ठाक है, लेकिन एरिया बहुत ही छोटा है, बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर बना हुआ है, तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा एक आध घंटे का टाइम स्पेंड किया जा सकता है। टिकट 100 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का आपको कूपन मिल जा रहा है, खा पी सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, और थोड़ा सा यही है। लेकिन बाकी मुझे कुछ खास नहीं लगा, हालांकि इसके पहले जो पिछले साल मैंने कोलकाता का इको पार्क के ऊपर वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। कोलकाता इको पार्क अलग ही लेवल का था, ठीक है, बहुत कुछ था उसके अंदर, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। बस ये है कि आप छोटे मोटे जगह पे थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके इन्जॉय कर सकते हैं। तो बाकी देखते हैं और क्या कुछ होता है, और खाने पीने का आइटम मिलता है, देखते हैं और खाते फिर यहाँ से निकलते हैं। खाने पीने के लिए अंदर आपको कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो कूपन से मैंने ले लिया एक ग्लास गन्ने का जूस। शाम को लाइटिंग के बाद का नज़ारा अलग ही लेवल का होता है, आप कैफेज़ में चिल कर सकते हैं, फूड इंजॉय कर सकते हैं। और एक सजेशन मेरी रहेगी, अगर आप प्रयागराज से आ रहे तो अपनी व्हीकल से ही आने की कोशिश करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें, क्योंकि वापसी के वक्त आपको कन्वेंस मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहले भी विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।